नमस्कार दोस्तों, एम हिंदी यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर अब बाजार गर्म होता जा रहा है। देश में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कुछ समय पहले हुंडई कोना बाजार में आई, तो हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी नई टिगर को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करके लॉन्च किया और अब कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक मॉडल पेश करने जा रही है। टाटा मोटर्स ने नए इलेक्ट्रिक नेक्सॉन में जिप्ट्रॉन तकनीक का इस्तेमाल किया है। कंपनी का दावा है कि ये एमजे हेक्टर, कियो सोल्टॉस और वेन्यू की तरह नेक्सॉन ईवी भी कनेक्टेड कार होगी। इसमें 30 से भी ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स को जगह मिलेगी जो यूजर की ज़रूरतों को पूरा करेगी। माना जा रहा है कि कंपनी नेक्सॉन ईवी को भारत में 15 से 17 लाख रुपए के बीच में लॉन्च कर सकती है। नेक्सॉन ईवी का मुकाबला महिंद्र एक्सयूवी 300 इलेक्ट्रिक से भी होगा, जो अगले साल के मध्य तक लॉन्च होगी, जबकि नेक्सॉन ईवी अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा खास बात यह होगी कि नेक्सॉन ईवी की चार्जिंग को घंटों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि फास्ट चार्जर से मात्र 60 मिनट में ही 80% तक चार्ज किया जा सकता है। कंपनी ने कार के बैटरी को 10 लाख किमी से ज़्यादा टेस्ट किया है और इस पर कंपनी 8 साल की वारंटी भी देगी। नेक्सॉन ईवी में परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर देगी, जिससे टॉर्क बेहतर होगा और बैटरी भी जल्दी ड्रेन नहीं होगी। नेक्सॉन ईवी को 15 एम्पियर के पावर आउटलेट से भी चार्ज किया जा सकता है और अतिरिक्त चार्जिंग पोर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा के मेरे एम हिंदी यूट्यूब चैनल को प्रमोट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।